वेली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा श्वेत। और आज एक सीन हो गया, वो ये कि सारा ने मुझे बोला ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो चुका है तो जल्दी से चलते हैं बाहर और लेके आते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं था आज बाहर जाने का। तो सारा को एक आइडिया आया, और वो क्या आइडिया है? वो ये आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना एयरलिफ्ट से सामान मंगवा लें, क्योंकि काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं कि एयरलिफ्ट की सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज उनको ट्राई करें। बिल्कुल, तो हमने उनसे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, तो देखते हैं कि सामान कैसा है। मज़े की चीज़ें भी हैं। एक चैलेंज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट, जो हमारी वीडियो आने वाली है, तो उसकी भी हमने कोई चीज़ उसमें ऑर्डर की है। तो बस थोड़ी देर में अभी ऑर्डर आने वाला है, तो फिर आपको दिखाएंगे कि उनकी सर्विस कैसी है और बाकी उनका जो भेजने का तरीका है और जो किस तरीके से डिलीवरी कर रहे हैं वो, तो उसका भी सारा आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो आसानी से मिल सके। सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखें, बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो में तो कहा था कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। घबराना तो हमने है ही नहीं ना, देखो हम घबराते नहीं है। अच्छा, वो किसी भी सीन में घबराना नहीं, किसी भी सीन में हमने घबराना नहीं, क्योंकि हमारे पास हर चीज का हल होता है, तो एक तरीके से हमने वाकई में घबराना नहीं है। तो ठीक है, अभी बस थोड़ी सी देर में ऑर्डर आने वाला है, तो फिर हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तो फाइनली हमारा डोर ठक 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 होने लगा है और आई थिंक डिलीवरी हमारी पहुंच चुकी है, तो अब वो जैसी आएगी डिलीवरी तो हम आपको दिखाते हैं। सारा आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगी कि क्या क्या उन्होंने ऑर्डर किया था और क्या क्या चीज़ें आई हैं और किस तरीके से चीज़ें आ गई। चलो भैया आ गई, तो अब सारा आपको दिखाएंगी कि क्या क्या ऑर्डर उन्होंने किया। पहले दिखाती हूं मैं। आ रहा हूं, वीडियो तो एंड करने। तो गाइस, फाइनली आफ्टर टू मच वेटिंग हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है और इस तरीके से जो है ये शॉपर्स में पैक आया है, सील पैक है ये, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ये थोड़ी सी शॉपर जो है वो फट गई है, आई थिंक ये जो है ना वो रखने से फट गई होगी, तो बाकी सारी शॉपर सील पैक हैं। तो अब इसके अंदर से चीज़ें देखते हैं कि कैसी निकलती हैं, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स भी ट्राई करने के लिए मंगवाई थी कि इनके पास किस टाइप की वेजिटेबल्स होंगी, यानी कि फ्रेश हैं या नहीं हैं और क्वालिटी कैसी है उनकी, और बाकी डिफरेंट चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं, तो ट्राई करते हैं। तो आपने वीडियो में हमारे साथ रहना है, तो चलें इसको अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकलती हैं। तो चलिए लाइबा ओपन कीजिए इसको, आप ओपन करके देखिए के फ्रेश वेजिटेबल्स निकल रही हैं या नहीं, या फिर चलें। तो ये लाइबा इसको ओपन कर रही हैं, केक कटिंग हो रही है लाइबा आपकी। तो फाइनली हमने इसका चैलेंज करना है, तो ये वाले हमारे जो हैं वो चिप्स भी आ चुके हैं जो हमने जो है वो चैलेंज करने के लिए मंगवाए हैं। तो हमने ये डिफरेंट जो है वो टेस्ट करने के लिए और चैलेंज करने के लिए मिर्ची का पटाखा, चीटोस एंड कुरकुरे, ये हमने इसके तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स मंगवाए। दूसरा शॉपर खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमने चिकन मंगवाई थी, विंग्स, तो देखते हैं कि ये किस तरह के इसमें होंगे, वैसे तो ये अच्छे ही होंगे। तो ये हमने जो है वो फ्रेश चिकन मंगवाई थी, तो ये फ्रेश चिकन भी आ चुकी है, तो फ्रेश चिकन तो काफ़ी साफ होती तो है, और लाइबा ने इसको बाहर भी निकाल दिया है, लाइबा इसको अंदर डाला, लेकिन यार ये खुली हुई है, इसको पैक होना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि निकालने में ही ये बेचारी जो है ना वो बाहर आ गई है। ये खालिस जो है वो साफ सुथरी और वॉशेबल चिकन है, वॉशेबल नहीं, वॉश्ड। हाँ, इसमें रखो। और एक शॉपर बाबा खोल चुके हैं, इसके अंदर क्या क्या है, वेजिटेबल्स हैं डिफरेंट, ये वेजिटेबल्स आई हैं, वेजिटेबल्स जो है ना वो इस तरीके से पैक आई हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ है। मिर्चें जो हैं वो इस तरीके से आई हैं, ये मिर्चें ऐसी हैं पैक,
और साफ सुथरी मिर्चें हैं, वैसे फ्रेश हैं, ख़राब नहीं है इनमें, अच्छी ग्रीन मिर्चें हैं। प्याज भी जो है वो अच्छी बड़े साइज़ की प्याज है और ऐसे पैक आई है, तो साफ़ सुथरी और अच्छी। और बाकी ये जो है वो हमने ऑर्डर की थी हरी प्याज, तो वो इस तरीके से पैक्ड है। अब ये खोल के देखेंगे कि ये कैसी है। और ये लौकी, लौकी भी ऐसे पैक है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इनका, क्योंकि इनकी वेजिटेबल भी काफ़ी अच्छी है। बस इन्होंने जो है वो हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया था, लेकिन 44 मिनट्स होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप नहीं, उनके आगे वो भी पार्सल थे, वो देते हुए आए। अच्छा, तो वो पार्सल देते हुए आए तो इसलिए उनको लेट हो गया, लेकिन उन्होंने हमें टाइम जो दिया था उससे 20 मिनट्स लेट हुआ, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो कोई मंगवाने का इशू नहीं है आपको, आप इससे जो है वो मंगवा सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ें थी हमने जो ऑर्डर करी थी, और मुझे तो अच्छा लगा इनका जो एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश थी। हाँ, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फ्रेश तो मतलब हमें सब्जी मंडी में जो हम जाके लेते हैं सब्जी, वहाँ पे इतनी फ्रेश नहीं मिलती जो इनसे यहाँ। और पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत हाइजेनिक पैकिंग थी, तो ये चीज़ सबसे अच्छी थी। और इसके अलावा जो है वो इजीली घर पे आ गया, अगर घर में कोई नहीं हो तो, क्योंकि मैंने मम्मा पापा को भी अभी यही बोला है कि वो घर में बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कोई आए तो ला के दे चीज़ें, ऐसी बात है। मेरे जैसे लोगों के लिए सर्विस बेस्ट है, क्योंकि जो मार्केटों से जाने से बचते हैं या लेकिन मैं आपको हर वक्त घुमाने वाली हूँ, तो आप जैसों के लिए नहीं है ये सर्विस। एक्चुअल में हमने ये सर्विस चेक की थी ऐसे लोगों के लिए जैसे कि हमारे मम्मा पापा हो गए, अम्मा अब्बा हो गए, मतलब जा नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि वो जाके थक जाते हैं या फिर वो जा नहीं पाते, तो वो इजीली घर बैठे सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत कम एक हिसाब से एयरलिफ्ट इस मामले में अच्छी चल रही है, और हम आपको रिकमेंड जरूर करेंगे कि अगर आपको कभी ऑर्डर करना हो या आपका मूड ना हो कुछ आने का या घर में बैठने का ही मूड हो आपका, और आप थके हुए आए ऑफिस से थके हुए आए, तो हम आपको रेकमेंड यही करेंगे कि आप ये अच्छा है कि घर बैठे। लेकिन आप थके हुए आए या कुछ भी आए, आपने भी सच्चा, तो ये मेरे लिए तो नहीं है ऑफर, तो मुझे तो जाना ही पड़ता है, लेकिन आज हमने कहा कि चलो इस पे ब्लॉग बना लेंगे तो सारा मान गए कि हाँ चले ठीक है ये ब्लॉग के लिए तो काम आ सकता है, तो यूँ आज सारा मान गए, वरना उनको मार्केट में लाजमी जाना होता। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है एयरलिफ्ट की कि उन्होंने जो है एक तो हमें फ्री डिलीवरी दी, ठीक है, चीज़ें फ्रेश आई, फ्री डिलीवरी दी, और इसके अलावा जो है वो थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो उनकी तरफ से जो सॉरी का मैसेज भी आया, क्योंकि कल पेट्रोल की बहुत ज़्यादा इशू था, तो आज ऐसी बात है पेट्रोल बंद है आपको पता ही है, लेकिन उस सिचुएशन में भी उन्होंने हम तक पहुँचाया था। लेट भी हो जाता है तो इंसान जब खुद लेने जाता है तो बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो लेट हो गए थे, जितना उन्होंने टाइम दिया था उससे लेट हो गए थे, और उनका मैसेज भी आया हमें कि लेट, सॉरी फॉर लेट। और उन्होंने हमें 200 का वाउचर भी दिया है फ्री, अब हम 200 की फ्री शॉपिंग कर सकते हैं, तो अब हम जो भी शॉपिंग करेंगे उसके ऊपर हमें 200 का फ्री वाउचर मिल गया है, सो अब हम शॉपिंग करने वाले हैं और ज़्यादा। तो आप जैसे अगर आप देख रहे हैं कि सारा 200 रुपीज की शॉपिंग में इतना खुश है, तो सोचे तो फ्री में मुझे 200 रुपीज की शॉपिंग करने का मौका, बेस्ट चीज है कि फ्री है, फ्री चीज तो हर चीज अच्छी लगती है। तो खैर मजा आया इनसे ऑर्डर करके, और काफी एक आप भी जाइए और जरूर ऑर्डर प्लेस कीजिए, और एयरलिफ्ट बेस्ट चल रही है सर्विस, तो इसको जरूर अप्लाई करें। और रेट्स भी काफी रीजनेबल है, मतलब हर चीज, कुछ चीजें हैं जो उनके रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों के रेट्स बहुत रीजनेबल और सेम मार्केट के या मार्केट से कम ही आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके रेट्स ज्यादा हैं। तो ठीक है, ये तो रश हो गया, मतलब ये तो रश हो गया, लेकिन हम एयरलिफ्ट से नहीं मंगवाने वाले हैं, हम तो जाएंगे मार्केट और जाहिर सी बात है वहाँ जाके ही। लेकिन ये सर्विस उन लोगों के लिए सारा ठीक था कि उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मतलब घर से ज्यादा नहीं जाना चाहते या मतलब घर में ही आ जाए, तो वो एक अच्छी चीज, यानी कि एजेड लोग हो गए जैसे कि, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है, उनके लिए थोड़ा इजी रहता है चीज़, ये चीज़ था। तो वीडियो को कर रहे हैं हम एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम दोबारा से मिलेंगे आपसे, और जब तक के लिए आपने देख ही लिया होगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, जो चीजें हमने मंगवाई है। हाँ, तो मैं सही अच्छी वाली को चैलेंज देने वाली हूँ, मिर्ची पटाखे का। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे मिर्ची मसाले वाली पटाखे, मिर्ची पटाखा, तो देखते हैं उसमें कौन जीतता है। वैसे मैं स्पाइसी चीजें तो खैर खाता हूँ, सारा भी खा लेती है, लेकिन अब देखते हैं कि उसमें कौन। लेट्स ट्राई, और ये भी हमने टेस्ट भी ट्राई करना है कि कितना मिर्च मसाले वाला वो है।
तो नेक्स्ट हमारा चैलेंज है मिर्च मसाले वाला, तो आप भी हमारे साथ रहिए और मिर्च मसाले वाली चीजें देखते रहिए, मेरे मुंह में देखते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए हमें इजाजत, और अगर फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखना है और अपनी वाइफों का भी ख्याल रखना है, और अगर जैसे कि सैयद चेवली मेरा, लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा शोर के बीच में, ठीक है, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, मेरे तो दोस्त है ना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और इसी के साथ वीडियो हो रही है एंड, और खामोश क्यों कर रही हूँ, अपने आप को खामोश कर रही हूँ, फिर बाप बोलेंगे मैं आपके बीच में। अच्छा चलें, बाप बोल बोल। तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, तो मैंने भी बोलना होता। अच्छा आपने बोलना, तो किसी की भी बात सुन के आप सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आप आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, और इंशाल्लाह और गिव अवे में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गिव अवे में बात नोट हो गई होगी कि सारा मुझे बोलने नहीं देती, गिव अवे में बहुत कम अभी हमारे पास कमेंट्स आए हैं, आप ये बात जान चुके होंगे कि मेरी, मुझे पहले गिव अवे का बताने दो, बैक स्टेज पे मेरी क्या हालत है, गिव अवे का मुझे पहले बता दे दो, आपने गिव अवे में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हों गिव अवे जीतने के। और एक बहुत अहम इवेंट आने वाला है, क्या, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, शायद वैसे शक्ल की बना रहे, खूबसूरत दिन, अच्छा दिन आने वाला है मेरी जिंदगी का, एक मेन इंपॉर्टेंट दिन, आप लोगों ने देखा ही कैसे शक्ल बनाई है इन्होंने, जबकि मैं नहीं नहीं, ऑन द सीरियस नोट, बहुत अच्छा दिन आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, मैंने इनके पीछे कुछ नहीं रखा, और ये सारा ने मुझे जबरदस्ती करवाया, नहीं मैंने नहीं करवाया। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे साथ रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।